हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है सावन का थर्ड सोमवार और मेरा फास्ट है, और आज बहुत लोगों का फास्ट होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने। आज थोड़ा लेट हो गया है, 9:30 हो गए हैं, लेट उठी हूँ क्योंकि कल तीज था और तीज वाला व्लॉग आएगा मेरा, बहुत ही अच्छा बना है, तो आप सब लोग देखना। चलिए चलते हैं शिव चौक और वहाँ पर जल चढ़ाते हैं और फिर आगे घर पर पूजा करेंगे। मैं आ गई हूँ शिव चौक और ये देखिए, ये है मुजफ्फरनगर का शिव चौक के शिवजी जी, और बहुत भीड़ है क्योंकि आज मंडे है। यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है और बहुत जल्दी में मुझे जल चढ़ाना पड़ा क्योंकि पंडित जी ज़्यादा रुकने नहीं दे रहे हैं। और अब चलते हैं घर और घर पर जाकर देखेंगे शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं, श्रावण में या नॉर्मल सोमवार को। मैं घर पे आ चुकी हूँ, पूजा शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले ये देखिए, ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं ये नर्मदेश्वर शिवलिंग बोलते हैं इसको। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था, और ये जो शिवलिंग है ये नर्मदा नदी से जो पत्थर निकलते हैं उसी से ये शिवलिंग बनाया जाता है, और ये जो है ये भी उसी पत्थर से बनाया जाता है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी कैसे पूजा करना है घर में तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने एक थाली ली है, आप एक साफ थाली ले सकते हैं घर में। उस थाली में आप शिवलिंग को धो के अच्छे साफ पानी से इसमें रख लीजिए। और ये मैंने लिए हैं बेलपत्र, आप जैसे 5, 11 जितना भी आपको अच्छा सही लगे, वैसे तो 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने 5 पत्ते लिए हैं। इसके बाद मैंने ये जल लिया है, इसमें गंगा जल डाल लिया है मैंने। ये मैंने एक छोटा सा मेरे पास छोटा डब्बा है, उसमें मैंने भर के दूध लिया है। ये आप जितना चाहें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दूध ले सकते हैं। और ये है मेरे पास चंदन, ये ओरिजिनल चंदन है, ये भी मैंने ऑर्डर करके मंगाया हुआ है। और ये मैंने कुछ फूल लिए हैं। तो आज मैं कैसे पूजा करती हूँ सावन के सोमवार की, या फिर आप नॉर्मली फास्ट रखते हैं सोमवार का तो कैसे पूजा करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने फूल लिए हैं। अब आपके पास अगर फ्रूट है कुछ तो आप वो ले सकते हैं। मैंने 2 केले लिए हैं, एक मैंने ये अमरूद लिया है, और ये मैं अभी प्रसाद लेके आई हूँ, और हमारे यहाँ प्रसाद मिलता है तो ये मैंने प्रसाद लिया है। आप जो भी चीज़ का प्रसाद रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको शिवलिंग को थाली में रखने के बाद आपको फूलों से ये थाली या जिस चीज़ में भी आप रखेंगे उसको सजाना है। तो चलिए पहले वो सजा लेते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो श्रीनिवासाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो श्रीनिवासाय। मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम श्रीराम कृष्ण अवतार मुलनु धरिंचिन श्रीहरि। ये नहीं कहते आप मुझे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, वो सब आप भगवान नहीं देखते। सिर्फ श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए किसी चीज की। और शिवजी भगवान को तो बोला जाता है जो बेल पत्र में खुश हो जाते हैं, सोचो वो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो आप प्यार से बेल पत्र चढ़ा दोगे अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी वो खुश हो जाते हैं। कन्हैया है, इनको मैं चढ़ा देती हूँ, और रेड फूल मैं माता जी को चढ़ाऊँगी, जय दुर्गे माता। और बाकी बोलते हैं शिवजी भगवान को वाइट फूल चढ़ाने चाहिए, तो मैं कुछ 2-4 फूल मेरे पास वाइट भी हैं, वो मैं अब चढ़ाऊंगी जब मैं जल चढ़ाऊंगी उस टाइम पे।
तो ये है मेरे पास एक शिव शंकर जी की, मेरा भाई इसको कावड़ में जल लेने गया था तो तब लेके आया था, तो मैं इसको भी यहीं पे रख देती हूँ। शिव जी भगवान जी को ये लेके आया था अभी, और इनको मैं एक वाइट फूल चढ़ा देती हूँ। जय शिव शंकर भोलेनाथ। चलिए तो ये मेरी थाली अभी रेडी है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जल चढ़ाना है, क्योंकि सबसे पहले हम उनको नहलाएंगे। और जल आपको एकदम पूरा नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल आप चाहें तो गंगा जल से नहला सकते हैं, और साथ साथ आपको मंत्र का जाप कर लेना है, ओम नमः शिवाय का। तो ये मैंने थोड़ा सा जल से उनको नहला दिया है। अब मैं उनको चंदन का टीका लगाऊंगी। तो ये मेरे पास चंदन है, अगर आपके पास चंदन नहीं है और रेड वाला जो आता है सिंदूर वगैरह, तो उसका भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चंदन से लगाऊंगी, और मैं शिव शंकर को भी हल्का सा टीका लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब भगवान ने विष पिया था, तो जब उनको ये सब चंदन ठंडा होता है, तो जब हम उन्हें चंदन का लेप करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम चंदन का लेप करते हैं, या फिर हम उनको टीका लगाते हैं, और इसीलिए हम उनको जल चढ़ाते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, उनको ठंडक महसूस होती है, इसीलिए वो प्रसन्न होते हैं, ये कहा जाता है। जो मैंने पढ़ा है मैं उतना ही आपको बता रही हूँ, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ। तो ये मैंने चंदन से उनको ऐसे, ओम नमः शिवाय। चलिए अब ये हो गया है। अब मैं उनको, ये दूध है, इस दूध में भी मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिलाया हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा मैं दूध से नहलाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा मैंने धूप बत्ती लिया है, तो पहले मैं धूप बत्ती जला लेती हूँ, और दिया मेरा सुबह से जला हुआ है, मेरी मम्मी दिया जलाती है। अब यहाँ पे मैंने एक चम्मच चावल लिया है, और चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत चावल होना चाहिए। एक चम्मच लिया है मैंने गेहूँ, और एक चम्मच लिया है मैंने अरहर की दाल। बोला जाता है कि चावल चढ़ाने से शिव जी को, जैसे चावल को अन्न में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह अगर हम शंकर भगवान को चावल चढ़ाते हैं तो हमें एकदम सुख शांति वाला जीवन मिलता है, चावल की तरह एकदम शांति वाला। दूसरा अरहर की दाल, अरहर की दाल चढ़ाने से बोलते हैं कि मन को बहुत शांति, मन में जो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इंसान बहुत परेशान रहता है, तो ऐसा बोला जाता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि अरहर की दाल चढ़ाने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। और तीसरा मेरे पास है गेहूँ, गेहूँ चढ़ाने से बोलते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके पास इनमें से एक चीज़ है, दो है, तीन है, तो आप तीनों चढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास तीनों चीज़ें, मैं तीनों चढ़ा रही हूँ। अब सबसे पहले हम धूप बत्ती दिखाएंगे शिवलिंग को इस तरीके से, और अब हमने जो तीनों चीज़ें ली हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके दोनों हाथों से ओम नमः शिवाय का जाप बोलते हुए चढ़ानी है। मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं दोनों हाथों से नहीं चढ़ा पा रही हूँ। ऐसे कर करके हम थोड़ा दाल लेंगे, चावल गेहूँ ऐसे चढ़ा देंगे, और अपनी मनोकामना भी बोलेंगे धीरे धीरे करके। जितना भी हमने चावल लिया था, ये तीनों चीज़ें ली थी, सब धीरे धीरे करके दोनों हाथों से चढ़ा देंगे। अब ये मैं जल, बाकी जो बचा हुआ जल है, इसमें मैंने गुलाब के फूल और बेलपत्र डाला हुआ है, ये भी चढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब जो इसमें बेलपत्र बचा है, बेलपत्र को, मेरा शिवलिंग बहुत छोटा है, ये देखिए छोटा सा, बहुत सुंदर है, तो ऐसे पूरे बेलपत्र चढ़ा देंगे। अब मैं, थोड़ा सा पानी बचा है शिव जी की, जो मेरे पास वो थी, मैं उनको भी नहला रही हूँ। ये देखिए बेलपत्र बचा है, तो एक बेलपत्र मैं शिव जी भगवान को भी चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे शिवलिंग और शिव जी भगवान दोनों नहा लिए हैं। अब बाकी बचे हुए फूल भी मैं शिवलिंग पे चढ़ा रही हूँ, ये इस तरीके से।
फूल गिर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया शिवलिंग बहुत छोटा है तो ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। घर में ज़्यादा बड़ा शिवलिंग, 3 इंच से ज़्यादा का शिवलिंग घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता। तो मेरा जो शिवलिंग है वो एकदम 3 इंच से भी थोड़ा कम है। ये मैं फूल गुलाब के उससे नहला रही हूँ शिव जी भगवान को, और बाकी बचा हुआ दूध से भी मैं ऐसे नहला दूँगी इनको। अब फ्रूट में जो मैंने बनाना लिया था वो बनाना का हमेशा जोड़ा ही चढ़ाना चाहिए। बोलते हैं कि सिंगल बनाना नहीं चढ़ाना चाहिए, तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आप चढ़ाएं वो जोड़े से ही चढ़ाएं। ये एक मेरे पास अमरूद है, ये भी मैं शिवजी भगवान को अर्पण कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और ये सब करते हुए आप ओम नमः शिवाय का जाप, फिर से मैं बता रही हूँ कि करते रहें ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू। बाकी जो मेरे पास तो भी फूल और बचे हैं तो मैं फूल भी चढ़ा दिया है एक दो, और इस तरीके से अब लास्ट में चढ़ाएंगे प्रसाद। ये देखिए इस तरीके से प्रसाद चढ़ाएंगे। और ये जितनी चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ ना चढ़ाने के लिए, सब दोनों हाथों से हाथ जोड़ के चढ़ानी है। अब ये देखिए मेरे पास तो ये माला है और इसका मैं जप करूँगी 101 बार, मुझे ओम नमः शिवाय का जप करना है और मन एकदम शिवजी भगवान में लगा होना चाहिए। ये इस तरीके से एक एक माला एक एक दाना गिन के मैं पूरा 101 बार ओम नमः शिवाय बोलूँगी। अब मेरी माला पूरी हो गई है, आरती की तैयारी करते हैं। ये मैंने सिक्का चढ़ा दिया है और ये मैंने कपूर लिया है, ये देखिए, और दिया और धूपबत्ती पहले से ही जला हुआ है। और आरती में पैसे क्यों चढ़ाते हैं, देखो पुराणों में तो ये विधान है कि जो ये पैसे चढ़ाए जाते हैं इस पैसे से लास्ट में गऊ सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ पुजारी होते हैं वो इस पैसे को भी उठा लेते हैं, जिनकी वजह से ही धर्म हमारा बदनाम होता है। मैंने तो जितना पढ़ा है जहाँ तक यही है कि इससे गाय की सेवा में लगाए जाते हैं ये सब पैसे, तो मैं तो जो चढ़ाती हूँ मैं उससे फिर इन मंदिर के पैसे से ही बाहर किसी को दान दे देती हूँ, या तो फिर मैं कुछ भगवान के ही काम में लगाती हूँ, मतलब मेरा ये है। तो अब आपको आरती करनी है और इस तरीके से आरती करिए और शिव जी की आरती गाइए। अगर आपसे नहीं आती है तो आप मोबाइल में भी आरती लगा सकते हैं। और घंटी है तो घंटी भी, बोलते हैं कि घंटी बजाने से ना हमारे जो घर में एक अलग सी ध्वनि होती है, जिसकी वजह से हमारे जो घर का माहौल होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम पॉजिटिव माहौल हो जाता है। तो ऐसे पूरी आरती कर लें। तो मेरी आरती भी कंप्लीट हो गई है, अब आप भगवान से जो चाहें मांग सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको ये बनाना और ये अमरूद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। अभी नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटे बाद ही आप इस प्रसाद को उठाएं और सब में बांट दें। और अब इन फूलों का आपको क्या करना है, फूलों को आप अपनी कहीं भी बाहर क्यारी में डाल दें, ये सूख जाएंगे। सूख के आप इनको हाथ से थोड़ा मसल के वहाँ पे बिखेर दीजिए, ये फूल उग जाते हैं। खुद मैंने अपने गमलों में ये फूल उगाए हुए हैं। और ये जो चावल और दाल हैं ये आप ऊपर पक्षियों को खिला दें, वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई। आप लोगों को मेरी पूजा कैसी लगी, मैं तो देखो श्रावण में ऐसे ही पूजा करती हूँ, अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा, मैं उतनी बड़ी वो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं करती हूँ उतना ही मैंने आप लोगों को बताया है। हो गई है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं जैसे पूजा करती हूँ सेम उसी तरीके से मैंने आपको बताया है। आप सावन के सोमवार के साथ साथ नॉर्मली जो सोमवार होते हैं उसकी पूजा भी सेम वैसे ही कर सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ जो सोमवार की व्रत कथा होती है वो पढ़नी पड़ती है। और तो मैंने तो बता दिया आपको जैसे मैं करती हूँ, बाकी अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय।